वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास टेंथ के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर, जो कि हम लोगों का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, उसके बारे में बात करेंगे। सो व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन फर्स्ट लेक्चर, दैट इज़ हम लोग अपने फर्स्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद हम लोग मैग्नेट्स और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। फिर हम लोग ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि बेसिकली क्या है, हम लोगों को रिलेशन बताता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। फिर हम लोग रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगे। उसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, फिर उसके बाद हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनाइड के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, बेसिकली हम लोगों के चैप्टर का नेम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब भी मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है ये बताता हूँ कि हमारा चैप्टर जो है हम लोगों को क्या बता रहा है, बेसिकली जो चैप्टर का नेम है उसकी मीनिंग क्या है। तो यहाँ से हम लोग अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में नहीं बात करेंगे, बट यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि इफेक्ट ऑफ करंट बेसिकली जो होता है थ्री टाइप्स का होता है। तो दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो कि हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी था, वहाँ पर हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात कर ली थी। Now, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, और क्लास 12th में बेसिकली हम लोग जो है केमिस्ट्री में देखेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले तो हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि हमारा जो मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ। बेसिकली इसको समझाने के लिए मैं यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं कि ये बेसिकली जो थे सेफर्ड मैग्नस जो थे, ये हमारे सेफर्ड मैग्नस हैं, सपोज कर लीजिए, आइलैंड में थे, जिसका नाम क्या था, मैग्नीशिया था, जो कहाँ था, एशिया में था। यहाँ पे जो थे एक्सेस ओर्स प्रेजेंट थे, आयरन के जो थे एक्सेस ओर्स प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो शूज़ पहने थे, इनकी शूज़ में जो नेल थी, उससे क्या हुआ, उससे ओर जो था स्टक हो गया, मीन्स इनके शू के नेल में ओर जो था चिपक गया, जिसकी वजह से बेसिकली क्या हुआ, मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुआ। जो है यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि साइंस ऑफ मैग्नेटिज्म डेवलप्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओर अट्रैक्ट्स आयरन। तो मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट जो है एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डेवलप्ड हुआ कि जो सेफर्ड मैग्नस थे, शेफर्ड मैग्नस जो थे, उनकी शूनेल से क्या हुआ, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओर अट्रैक्ट हुआ, क्या हुआ, जहाँ से बेसिकली मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुआ। अब ये कहाँ पे बेसिकली पाया गया, ये जो था मैग्नीशिया के डिस्ट्रिक्ट में पाया गया, जो एशिया में है, और इस समय ये क्या है, एक मॉडर्न टाउन है मनीषा का, जो कि वेस्टर्न तुर्की में है। And therefore named magnetite. Also legend describes the name magnetite to Seffert Magnus. Basically अब जो हम लोगों ने specific type of ore जो Seffert Magnus के शूनेल से attract हुआ था, उसका क्या नाम दे दिया हम लोगों ने, magnetite दे दिया। बहुत सारी research हुई, magnetism पे work होने लगा। तो 1600 में क्या हुआ, in 1600 Dr. William Gilbert confirmed that the earth itself behaves as a magnet. 1600 सेंचुरी में जो है डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने क्या बताया कि जो हमारी अर्थ है वो बेसिकली क्या है, वो भी एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करती है, डेट इज़ अ वीक मैग्नेट। हमारी अर्थ भी एक वीक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करती है। तो यहाँ से उन्होंने क्या बताया, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है ये थ्री लेयर से मिलकर बनी है, दैट इज़ इसका आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, क्रस्ट होता है, मिडल लेयर मेंटल होता है, एंड इनर मोस्ट लेयर क्या होता है, कोर होता है। तो विलियम गिलबर्ट ने बेसिकली क्या बताया कि जो हमारा कोर है, हमारी जो अर्थ का जो इनर मोस्ट लेयर है, उसके अंदर बेसिकली जो है मैग्नेटाइट, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, लोडस्टोन भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है वो भी मैग्नेटिज्म के इफेक्ट को शो करती है। तो अब हम लोग सबसे पहले मैग्नेटिज्म को समझ लेते हैं कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ऐसी प्रॉपर्टी जो आयरन के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करती है, उसको बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिज्म बोल देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से मैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे और मैग्नेट्स के टाइप्स को देखेंगे। तो बेसिकली मैग्नेट्स क्या होते हैं, अगर हम लोग इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें तो मैग्नेट्स आर दो सब्सटेंसेस विच अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन एंड स्टील टूवर्ड्स इट। तो मैग्नेट्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आयरन और स्टील के पार्टिकल्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ
अट्रैक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल देखें तो मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट बेसिकली क्या होता है, लोड स्टोन होता है। इसका कॉमनली नेम क्या होता है, लोड स्टोन होता है, जो कि क्या होता है, आयरन का एक ओर होता है जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, जो Fe3O फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैग्नेट्स आर दो सब्सटेंसेस विच हैव अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, बिकॉज फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट दे अट्रैक्टेड द पीस ऑफ आयरन एंड स्टील, सो वी कैन से दैट मैग्नेट्स आर दो सब्सटेंसेस विच हैव अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। मैग्नेट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज होती है एज वेल एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे अभी आप लोग जो है ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को मत देखिए, मैं अभी थोड़े टाइम के बाद आप लोगों को डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा कि क्यों जो हमारे मैग्नेट्स होते हैं बेसिकली वो डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ को भी शो करते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, अगर हम लोग सोर्स ऑफ ओरिजिन के बारे में बात करें तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, दैट इज नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो बेसिकली हम लोग देखें तो हम लोगों को क्या मिल रहा था, हम लोगों को अर्थ की कोर में क्या मिल रहा था, मैग्नेटाइट और लोडस्टोन मिल रहा था, जिसकी वजह से क्या था ये, क्योंकि नेचुरली अकर हो रहा था जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया था, नेचुरल मैग्नेट बोल दिया था। इसलिए नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं, तो नेचुरल मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो अर्थ के कोर में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग इनकी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो जो भी नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं ये वीक मैग्नेटिज्म नेचर को शो करते हैं और इरेगुलर नेचर के होते हैं। अगर हम लोग इसके एग्जांपल की बारे में बात करें, दैट इज़ मैग्नेटाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोडस्टोन भी बोलते हैं, और ये Fe3O4 का ऑक्साइड होता है बेसिकली। यहाँ से अगर हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की बात करें तो बेसिकली हम लोगों ने आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को क्यों बनाया, इसलिए हम लोगों ने बेसिकली आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को बनाया क्योंकि हमारे जो नेचुरल मैग्नेट थे इनकी जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी थी ये बहुत वीक थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, इनकी शेप भी क्या थी, इरेगुलर थी। तो साइंटिस्ट ने लिए आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने नेचुरल मैग्नेट्स में कुछ इम्प्योरिटीज़ को मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी थी वो इनक्रीज़ हो गई कि दे आर मैन मेड रिसोर्सेज, तो जिसकी वजह से क्या होता है इनकी एक फिक्स शेप होती है। यहाँ से हम लोगों के पास आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज टेम्परेरी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो टेम्परेरी मैग्नेट्स बेसिकली क्या होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या करते हैं, अपने मैग्नेटिज्म को शो करते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट बेसिकली वो मैग्नेट्स होते हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बेसिकली जो है अपने मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखें तो बेसिकली हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को जो है उनके शेप और साइजेस के बेसिस पे भी हम लोग क्या करते हैं, उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट का फर्स्ट टाइप होता है, डेट इज़ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर और सिलिंड्रिकल शेप का होता है। तो बेसिकली ये हमारा एक टिपिकल बार मैग्नेट है एंड दिस इज़ ऑल्सो ए बार मैग्नेट, हम लोग इसको सिलिंड्रिकल मैग्नेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल आप लोगों को बता दिया है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली हमारे जो मैग्नेट्स होते हैं उसमें दो पोल होते हैं, दैट इज साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। जब हम लोग मैग्नेट के बारे में आगे बात करेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि हमारे मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। इसी तरीके से जो होता है हमारा हॉर्स शू मैग्नेट होता है, तो हॉर्स शू मैग्नेट में भी क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है, और इसकी शेप क्या होती है, हॉर्स के जो शू होता है तरीके से होती है। इसी तरीके से हम लोग के पास क्या होता है, हम लोगों के पास यू शेप मैग्नेट होता है, तो ये भी क्या है, एक मैन मेड मैग्नेट है या आर्टिफिशियल मैग्नेट का टाइप है। मैग्नेटिक नीडल, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल में बेसिकली क्या होता है, एक टिपिकल बार मैग्नेट लगा हुआ, और ये क्या करता है, ये बेसिकली जो है डायरेक्शन को फाइंड करने में हम लोगों को हेल्प करता है और पोलैरिटी बताता है। पोलैरिटी मींस बेसिकली हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है। और क्या करता है, टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बेसिकली क्या करता है, हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी बताता है। लाइक दैट वी हैव रिंग, डिस्क मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास। इसी तरीके से हम लोगों के पास क्या होता है, रिंग मैग्नेट भी होता है, डिस्क मैग्नेट भी होता है और मैग्नेटिक कंपास होता है। तो ये बेसिकली क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करें मैग्नेट की, तो व्हेन ए मैग्नेट इज फ्रीली रोटेट्स इट ऑलवेज अलाइन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब भी हम लोग जो है अपने मैग्नेट को रोटेट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं कि सपोज हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने इसको एक थ्रेड से बांध दिया, हम लोगों ने एक बार मैग्नेट को क्या किया, हम लोगों ने इस बार मैग्नेट को थ्रेड से बांध दिया, और जब हम लोगों ने इसको रोटेट किया तो क्या देखा कि हमारा जो बार मैग्नेट था वो हर बार जो था नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ अलाइन हो रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली हम लोगों ने नॉर्थ डायरेक्शन को क्या माना, नॉर्थ पोल मान लिया,
और साउथ डायरेक्शन को क्या माना, साउथ पोल मान लिया। तो अब ऐसा क्यों हो रहा था कि हमारा जो मैग्नेट था वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ही क्यों अलाइन हो रहा था। बेसिकली इसका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारा अर्थ है उसकी जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज कोर, तो उसके कोर में जो हमारा ओर, आयरन का ओर प्रेजेंट है दैट इज मैग्नेटाइट और लोड स्टोन, उसका डायरेक्शन क्या रहा होगा, उसका डायरेक्शन जो था हमारा साउथ टू नॉर्थ रहा होगा, साउथ टू क्या रहा होगा, साउथ टू नॉर्थ रहा होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारा जो मैग्नेट था वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो यहाँ पे इसका बेसिकली एक एजम्पशन है, इसका कोई डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं है। हम लोग देखें तो हमारा जो मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या होगा, वो अर्थ के लिए क्या होगा, साउथ पोल की तरीके से एक्ट करेगा, और हमारा जो मैग्नेट का साउथ पोल होगा वो अर्थ के लिए क्या होगा, अर्थ के लिए वो नॉर्थ पोल की तरीके से बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी होती थी कि लाइक चार्जेस अट्रैक्टेड ईच अदर, उसी तरीके से हमारे जो पोल्स होते हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज होती है कि लाइक पोल्स रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो जितने भी हमारे लाइक पोल्स होते हैं दैट इज नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल में क्या होगा, बेसिकली नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में रिपल्शन होगा, बट नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मिनिमम अट्रैक्टिव पावर इज कॉल्ड न्यूरल रीजन। अब हमारा जो पोल्स होते हैं दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो यहाँ पे जो हम लोगों का सेंटर होता है, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के वजह से बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे मिनिमम अट्रैक्शन पावर होती है। तो उस बेसिस पे क्या होता है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको न्यूट्रल रीजन बोलते हैं। तो मैग्नेट ऑलवेज एक्ट्स एज ए डायपोल, जो भी हमारे मैग्नेट्स होते हैं वो बेसिकली डायपोल की तरीके से बिहेव करते हैं, मींस उसके पास दो पोल होते हैं। यहाँ से हम लोगों को दो पोल दिख रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर हम लोग इस मैग्नेट को कट भी करें तो कट करने के बाद भी हमारे पास मैग्नेट में कितने पोल होंगे, दो पोल होंगे, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अरे जो मैग्नेट है वो कभी भी मोनोपोल की तरीके से बिहेव नहीं करता है, मीन्स उसके पास एक पोल कभी नहीं होगा। अगर हम लोग मैग्नेट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो मैग्नेट्स ऑलवेज डेवलप ए सर्टेन रेंज अराउंड इट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपना बार मैग्नेट प्लेस कर दें और यहाँ पे आयरन के पार्टिकल्स रख दें तो हमारे आयरन के पार्टिकल्स बेसिकली जो हैं क्या करेंगे, हमारे बार मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन ये भी एक विद इन ए पर्टिकुलर रेंज अगर हम लोग रखेंगे तभी अट्रैक्ट होंगे, अगर हम लोग आयरन को बहुत दूर रख देंगे तो यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होगा। अगर हमारे बार मैग्नेट के फील्ड में अगर हम लोग आयरन को रखते हैं, हमारा जो मैग्नेट है बेसिकली वो क्या करता है, आयरन के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। तो उसी फील्ड को, जिस पर्टिकुलर रेंज में जो है हमारा बार मैग्नेट जो है आयरन के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है, उस फील्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड, अब हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए वी जस्ट ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इमेजिनरी लाइंस कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करने के लिए बेसिकली हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होती हैं, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं। क्या होता है, बेसिकली हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझें तो बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि हुआ क्या, जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने बार मैग्नेट रखा और आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बेसिकली हुआ क्या कि हमारा जो बार मैग्नेट था उसने आयरन के पार्टिकल्स को जो है अट्रैक्ट तो किया, बट उसने इस तरीके से अट्रैक्ट किया कि जो हमारे आयरन के पार्टिकल्स थे दे अलाइन इन ए स्पेसिफिक मैनर, वो एक स्पेसिफिक मैनर में अलाइन हो गया। मीन्स अगर हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मीन्स अगर हम लोग पोल की बात करें तो क्या हुआ, यहाँ पे पोल पे जो थे हमारे जो आयरन पार्टिकल्स थे वो डेंसली क्राउडेड हो गए, बहुत ज़्यादा आ गए। बट अगर हम लोग सेंटर की बात करें तो यहाँ पे सेंटर में क्या था, हम लोगों को यहाँ पे कोई भी अट्रैक्शन नहीं दिख रहा आयरन पार्टिकल्स का। तो ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर वे में अरेंज हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में और स्टडी करी। और जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में और स्टडी करी तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बताई। तो अब हम लोग जो है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स, हम लोग इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भी होती हैं वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पे डायरेक्टेड होती हैं। अगर हम लोग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं बार मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ मूव करती हैं।
बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो क्या करती हैं, वो क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व बनाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो मैग्नेटिज्म है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ अलाइन होता है। अगर हम लोग इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ए क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व। जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, हम लोगों ने देखा कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ये बेसिकली क्या थी, क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व थी, कुछ इस तरीके से थी। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि एट द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड सो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड एट द मिडल द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा कि एट द पोल्स, हमारे पोल्स में क्या होता है, बेसिकली पोल्स में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ज़्यादा क्राउडेड होती हैं, मींस बहुत पास पास होती हैं। लेकिन अगर हम लोग सेंटर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होती हैं, वो बहुत ज़्यादा दूर होती हैं, जिसकी वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बेसिकली क्या करती हैं, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताती हैं। अगर हम लोग जो है यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें बेसिकली, तो हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को मैग्नेटिक फोर्स मिल जाती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज दे गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड फोर्स कैन नॉट हैव टू डायरेक्शन एट ए सेम टाइम। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं फॉर्म होंगी तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मींस दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब ऐसा क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हम लोगों ने बताया कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बेसिकली हम लोगों को क्या बताती हैं, हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताती हैं। और एक ही पॉइंट पे, क्योंकि हमारी फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एक ही पॉइंट पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट पे जो है फोर्स की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती हैं, एक पॉइंट पे फोर्स की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग ये सपोज कर लें कि हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से, अगर हम लोग ये सपोज कर लें कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से और हम लोगों को दो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे अपना मैग्नेटिक कंपास रख दें तो हमारी नीडल जो होगी उसको भी दो डायरेक्शन में मूव हो जाना चाहिए, लेकिन हमारी जो नीडल होती है वो तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, जिसकी वजह से क्या प्रूफ हो जाता है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो यूनिफॉर्म इन नेचर। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर यूनिफॉर्म इन नेचर। अगर हम लोग मटेरियल की बात करें तो इनसाइड द मटेरियल जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होती है वो क्या होती है, वो पैरेलल होती है और इक्विडिस्टेंस होती है, मींस इनके बीच में ये सारी एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा। तो यहाँ से बेसिकली हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या देख लिया, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात कर ली। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे मैग्नेट्स होते हैं वो डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़ को भी शो करते हैं। तो अब आप लोगों के माइंड में जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भी मैग्नेट होता है अगर हम उसको फ्रीली रोटेट करते हैं तो क्या होता है, वो नॉर्थ से नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाता है, फ्रीली अलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या बोला कि जो हमारे मैग्नेट्स होते हैं दे ऑल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन। तो बेसिकली अब हम लोग जो है अपने चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जहाँ से बेसिकली जो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक था जिसने ये बताया कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है दीज आर कोरिलेटेड, एक दूसरे से अलग नहीं है, बेसिकली क्या है, ये इन दोनों के बीच में भी एक रिलेशनशिप है। तो बेसिकली होता क्या था, फॉर मैनी ईयर्स इट वॉज थॉट दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैव नो रिलेशनशिप विद ईच अदर। बहुत सालों से ये साइंटिस्ट बेसिकली क्या सोचते थे बहुत सालों से, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। इन 1820 हैन क्रिश्चियन ओरेस्टेड ये बेसिकली क्या कर रहे थे, ये भी ये प्रूफ कर रहे थे कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है इसके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। बट हुआ क्या कि इनका ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, बेसिकली इन्होंने क्या रखा, इन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पे क्या है बेसिकली हम लोगों को एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिख रहा है और मैग्नेटिक नीडल दिख रही है, यहाँ पे भी हम लोगों को एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिख रहा है और मैग्नेटिक नीडल दिख रही है। एक्सीडेंटली क्या हुआ कि एक्सीडेंटली ये हुआ कि हैन क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने
अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के नीचे मैग्नेटिक नीडल को डाल दिया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे ही ये मैग्नेटिक नीडल जो थी हमारे इलेक्ट्रिक करंट के कांटेक्ट में आई, तो क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक नीडल थी उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो यहाँ से बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ से जो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। मीन्स भी हमारा जो मैग्नेट है वो करंट के इफेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को शो करता है। मींस वो भी मैग्नेट की तरीके से बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। ओरेस्टेड ने बेसिकली क्या किया, ओरेस्टेड ने ये किया कि उन्होंने जो था करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब जब उन्होंने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो उन्होंने देखा कि जो डिफ्लेक्शन था उसकी भी डायरेक्शन में क्या हो गया, बेसिकली चेंजमेंट आ गया। सो बेसिकली क्या हुआ कि वो वर्क तो कर रहे थे इसके अपोजिशन में कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, बट उन्होंने प्रूफ क्या कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशनशिप है। तो बेसिकली यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आता है, इस कंक्लूजन ओरेस्टेड सेड दैट व्हेनेवर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर देयर इज़ अ ऑलवेज मैग्नेटिक इफेक्ट विच डिफ्लेक्ट्स द नीडल। जब भी हमारा जो है इलेक्ट्रिक करंट वायर में प्रोड्यूस होगा, जब भी हमारे वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा उस वायर में, जिसकी वजह से क्या होगा हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। इस इफेक्ट को बेसिकली हम लोगों ने क्या बोला, इस इफेक्ट को बेसिकली हम लोगों ने बोला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि टेंथ का इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग इसको अपने माइंड में नहीं बिठाएंगे तो इंटर में आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप लोग अच्छे से, बस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा रूल आया, एम्पेयर स्विमिंग रूल। तो इन 1775 टू 1836 एंड्रे मारी एम्पेयर ने क्या दिया, एक रूल दिया जिसको इन्होंने बोला एम्पेयर स्विमिंग रूल। अब ये जो एम्पेयर स्विमिंग रूल था ये बेसिकली किस लिए था, इट इज़ बेसिकली फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ निडल। ये हमारी जो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल थी उसके डिफ्लेक्शन को बताने के लिए था। बेसिकली इन्होंने यहाँ पे क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि अगर हमारा स्विमर जो है, ये सपोज करिए हमारा स्विमर है और स्विमर में जो करंट फ्लो कर रहा है, सपोज कर लीजिए कि स्विमर की बॉडी में जो करंट फ्लो कर रहा है वो उसके फीट से हेड की तरफ फ्लो कर रहा है, मीन्स करंट का डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। अगर करंट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है और उसके नीचे जो है अगर हम लोग मैग्नेटिक नीडल को डाल देते हैं तो क्या होगा, हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है वो स्विमर के लेफ्ट हैंड की तरफ क्या करेगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी, वो हमारे स्विमर के लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो यहाँ से इन्होंने क्या बताया, यहाँ से बेसिकली इन्होंने हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है उसके डिफ्लेक्शन का एक रूल बताया, जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, जिसको बेसिकली हम लोगों ने एम्पेयर स्विमिंग रूल बोल दिया। तो हम लोग अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बात करते हैं, डेट इज़ राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल बेसिकली क्या कहता है कि अगर हम जो है एक करंट कैरिंग कंडक्टर को या करंट कैरिंग वायर को अपने हैंड में इस तरीके से पकड़ें कि हमारा जो थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करे, वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करे। मींस अगर हमारा थंब जो है इस तरीके से फॉर्म है तो ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ अपवर्ड डायरेक्शन। हमारा इस समय जो डायरेक्शन है करंट का वो अपवर्ड है। तो यहाँ पे जो हमारी फिंगर्स होंगी, हमारी जो फिंगर्स कर्ल होंगी, मींस अगर ये मेरा थंब है, ये थंब है और ये क्या कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स कर्ल होंगी, मीन्स जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर घूमेंगी वही डायरेक्शन क्या होगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होगा। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए कि यहाँ पे हम लोगों का जो थंब था अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो यहाँ पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में फॉर्म होंगी, इस तरीके से कि अगर हमारा करंट जो है वो डाउनवर्ड है, मीन्स अगर हमारा करंट जो है कुछ इस तरीके से है, अगर हमारा करंट जो है कुछ इस तरीके से है, यहाँ से आप लोग देखिए थोड़ा सा कि अगर हमारा करंट जो है कुछ इस तरीके से है कि जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है करंट को, तो हमारी जिस डायरेक्शन में फिंगर बेंड होंगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो यहाँ पे फिंगर्स जो है हमारी इस डायरेक्शन में बेसिकली बेंड हो रही हैं, ऐसे करके देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से बेंड हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारी जो फिंगर्स हैं वो किस डायरेक्शन में बेंड हो रही हैं, दे आर इन
क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरीके से ही तो मूव कर रही हैं। तो जब हमारा करंट जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल जाएंगे। बेसिकली क्या हम लोगों का थंब राइट हैंड थंब रूल है। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करेंगे, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग जो है करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर लेते हैं तो उस केस में हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे फॉर्म होती हैं। तो हम लोगों ने अभी राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या है, एक बार हमारे करंट का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन है, मींस हमारा करंट जो है इस तरीके से फ्लो कर रहा है, और एक बार हमारा जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ मैंने पहले ही बता दिया कि ये हमारा करंट का डायरेक्शन है। अगर हम लोग यहाँ पे जो है राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो हमारी फिंगर जो है इस डायरेक्शन में कर्ल कर रही है, दैट इज़ हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हम लोगों को यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड्स मिल जाएंगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड्स कैसी होंगी, ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी ये बेसिकली कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी। अगर हम लोग इस केस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा वायर हम लोग कुछ इस तरीके से होल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी फिंगर का जो कर्लिंग है वो क्या हो रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो जब हम लोग जो है अपवर्ड डायरेक्शन लेते हैं तो हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड्स मिल जाती हैं। यही मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि अगर हम लोगों का करंट का डायरेक्शन जो है अपवर्ड होगा तो हम लोगों को जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेंगी, और अगर हम लोगों का करंट का डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड होगा तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेंगी वो बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन की मिलेंगी। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या फैक्ट्स हम लोगों को पता चले, तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे क्या करेक्टरिस्टिक्स पता चले, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन आर कंसेंट्रिक। जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी वो कॉन्सेंट्रिक थी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने क्या देखा कि वेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑल्सो रिवर्स। जब हम लोगों ने अपने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया तो बेसिकली हम लोगों को क्या मिल गया, हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया। तो वन करंट फ्लोस अपवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब हमारा करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंटी क्लॉकवाइज में मिली, और जब हमारा करंट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड जो थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिली। यहाँ से हम लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चले कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, बेसिकली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जो है बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट टेस्ला होती है, ये आप लोग जो है पहले से पढ़ लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मींस जितना ज़्यादा इस वायर में करंट फ्लो होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। ये तो कॉमन सी बात है, जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिज्म भी हम लोगों को शो होगा। बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं डिस्टेंस के, मींस अगर हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड का जो रेंज होगा वो कम होगा। तो हम लोग देख लेते हैं बेसिकली इसको, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मैग्नेटिज्म होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बहुत कम हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे हम लोगों को उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन एबिलिटी नहीं मिलेगी जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन एबिलिटी हम लोगों को इस पॉइंट पे देखने को मिलेगी। तो अब हम लोग बेसिकली अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है सर्कुलर कॉइल ले रहे हैं, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ले रहे हैं। सर्कुलर कॉइल क्या है, बेसिकली हम लोगों के पास एक वायर है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर हम लोगों ने बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे कि जब हम लोगों ने बैटरी को कनेक्ट कर दिया तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रही थी वो किस तरीके की हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने जो है दो डायरेक्शन में कनेक्ट किया है कि एक बार मैंने ले लिया है कि जब हमारा करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और एक बार मैंने लिया है कि जब हमारा करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल। अगर हम लोग यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो ये बेसिकली अगर हमारा वायर है और फिंगर्स हमारी इस तरीके से कर्ल कर रहे हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होंगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्या होगा, हमारा करंट का डायरेक्शन क्या है, हमारा करंट का डायरेक्शन इनवर्ड है। अगर हमारा करंट का डायरेक्शन इनवर्ड है तो बेसिकली हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में कर्ल करेगी कि नहीं करेगी। तो अब यहाँ से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को मिलेगी दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल जाएगी। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारी मैग्नेटिक
यहाँ पे जो हम लोगों को मिलेगा, यहाँ पे एट द सेंटर, सेंटर पे हम लोगों को क्या मिलेगा, न्यूट्रल रीजन मिल जाएगा। तो अगर हम लोग इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे जब हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगी, यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, और यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। बेसिकली यहाँ से साइंटिस्ट ने कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस को देखा कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर सर्कुलर एंड कंसेंट्रिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो थी बेसिकली सर्कुलर थी और कंसेंट्रिक थी, और जैसे जैसे इनका डिस्टेंस बढ़ रहा था वैसे वैसे जो थी ये लार्जर होती जा रही थी। मींस अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस बढ़ा रहे थे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थी ये लार्जर होती जा रही थी इस तरीके से। इसका सेकेंड प्रॉपर्टी क्या था कि नियर द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर स्ट्रेट एंड पैरेलल बिकॉज एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सेंटर के पास क्या था, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थी वो एक दूसरे के पैरेलल थी। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि जो सेंटर के पास हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या हैं, एक दूसरे के बेसिकली पैरेलल हैं, बिकॉज ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। क्योंकि यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है। अगर हम लोग सेंटर पे देखें तो सेंटर पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोगों को जो है परपेंडिकुलर प्लेन मिल रहा है कॉइल का। तो सेंटर पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोगों को यहाँ पे सेंटर पे जो है परपेंडिकुलर प्लेन मिल रहा है। यहाँ पे हम लोगों को सेंटर पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रही है, यहाँ पे हम लोगों को न्यूट्रल रीजन देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग देखें तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल होगी, करंट के प्रोपोर्शनल होगी। मीन्स जितना ज़्यादा हमारा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसी तरीके से हमारी सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जितना ज़्यादा हमारा डिस्टेंस होगा उतना ही कम हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। और थर्ड पॉइंट क्या होगा कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ टर्न्स। मीन्स जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के बारे में बात कर ली। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन देखा और उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज क्लॉक रूल। अब हम लोग क्लॉक रूल के बारे में बात करेंगे, इसको स्नो रूल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जब हमारा करंट जो है हमारे वायर से हमारे सर्कुलर वायर से हमारा करंट जो है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये साउथ पोल को इंडिकेट करेगा। और जब हमारा करंट जो है सर्कुलर वायर से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली साउथ पोल में क्या होगा, साउथ पोल में क्या होगा कि जितनी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो क्या करेंगी, वो सारी एंटर करेंगी, मीन्स इसके अंदर एंटर होंगी। और नॉर्थ पोल में क्या होगा, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो एमिट होंगी। मीन्स यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो एंटर करेंगी साउथ पोल में, और यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो क्या करेंगी, एमिट करेंगी। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोगों ने अपने क्लॉक रूल को भी पढ़ लिया। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड बेसिकली क्या होता है, कहने के हम लोगों के पास जो वुडन है ये जो मटेरियल है ये किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है या स्टील से बना हुआ है या कॉपर से बना हुआ है। तो अगर हम लोग जो है इसके ऊपर जो है वायरिंग कर दें, अगर हम लोग इसके ऊपर जो है बेसिकली कोई भी वायर को ऐसे रोटेट कर दें तो ये क्या करता है, ये जो है मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगता है। मीन्स अगर हम लोग इसको जो है इलेक्ट्रिक करंट के टच में लाते हैं या इलेक्ट्रिक करंट के पास लाते हैं तो ये क्या करता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। सोलेनॉइड इज़ ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर वाउंड ऑन ए रॉड शेप्ड फॉर्म मेड अप ऑफ आयरन स्टील विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। तो बेसिकली हम लोगों के पास क्या, हम लोगों के पास क्या है, ये क्या है, हम लोगों के पास एक रॉड शेप फॉर्म में है और इसके ऊपर हम लोगों वायरिंग कर रखी है, कोई भी वायर की वायरिंग कर रखी है। तो जब हम लोग जो है इसको जो है करंट प्रोवाइड करते हैं, मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे जो एक बैटरी को लगा दें तो अगर हम लोग यहाँ पे करंट इसको प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करता है, ये बार मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगता है, मीन्स ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ को शो करने लगता है। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है कैसे फाइंड करेंगे इसके करंट की डायरेक्शन को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्लॉक रूल का यूज़ करेंगे। तो क्लॉक रूल बेसिकली क्या कहता है कि अगर हमारा जो है करंट जो है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो किस पोल को शो करेगा, वो साउथ पोल को शो करेगा, कर रहा है। अगर ये साउथ पोल है तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल होगा। तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो हमारी वेव्स जो हैं इस तरीके से ओरिजिनेट होंगी, क्योंकि हमारी
जो वेव्स हैं, हमारी जो डायरेक्शन होती है वेव्स का, वो क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ पोल होता है कि नहीं होता है? तो अगर हमारा साउथ पोल ये है तो नॉर्थ पोल ये रहा होगा, तो नॉर्थ पोल में बेसिकली क्या होंगी, हमारी वेव्स जो है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करेंगी और इसके अंदर एमिट होंगी। ऐसे हम लोगों को क्या मिल गया, हम लोगों को यहाँ से साउथ पोल भी मिल गया और नॉर्थ पोल भी मिल गया। और ये हमारा जो सोलेनॉइड है ये बेसिकली किस तरीके से बिहेव करेगा, ये जो है एक बार मैग्नेट की तरीके से बिहेव करेगा। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हम लोगों की मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होती है जब हम लोग जो है सोलेनॉइड में करंट को प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम लोग सोलेनॉइड में करंट को प्रोवाइड करते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का जो सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्लॉक रूल का यूज़ करते हैं और उसके पोल्स को फाइंड कर लेते हैं। मींस यहाँ पे क्या है, हमारा जो करंट का डायरेक्शन का था, यहाँ पे हमारा करंट का डायरेक्शन क्लॉक वाइज डायरेक्शन में था, तो जब हमारा करंट का डायरेक्शन क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है तो ये साउथ पोल को इंडिकेट करेगा। और यहाँ पे हमारा करंट का डायरेक्शन क्या था, हमारा करंट का डायरेक्शन जो था एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में था, तो जब ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होगा तो ये क्या करेगा, ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। और हमारी जो वेव्स हैं वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ जनरेट होती हैं, तो हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। मैग्नेट सोलेनॉइड के इनसाइड अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारा ये सोलेनॉइड है बेसिकली, तो इसके इनसाइड क्या, यहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हम लोगों को क्या मिलती है, यूनिफॉर्म मिलती है। जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली उसको किस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, तो अगर हम लोग जो है मैग्नेटिक, अगर हम लोग जो अपने करंट की अमाउंट को इंक्रीज़ कर दें तो बेसिकली हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये हम लोग लास्ट केस में भी पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग नंबर ऑफ़ टर्न्स को बढ़ा दें, यहाँ पे जो हमारा हम लोगों ने वायर के नंबर ऑफ़ टर्न्स ले रखे हैं, तो अगर हम लोग ये नंबर ऑफ़ टर्न्स को बढ़ा दें तो क्या होगा, बेसिकली हमारा जो मैग्नेट है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर हम लोग जो है इनके बीच में जो गैप है, ये जो राउंड हम लोगों ने लिए हैं एन टर्न्स लिए हैं, अगर हम लोग इनके बीच का गैप कम कर दें तो भी क्या होगा, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज़ बी, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट क्या है बेसिकली इसका कि नेचर ऑफ द मटेरियल यूज इन मेकिंग ऑफ सोलेनॉइड। तो बेसिकली हमारा जो सोलेनॉइड है जो हम लोगों ने इसके अंदर जो यूज़ किया है, ये शाफ्ट टाइप का हम लोगों ने जो रेक्टेंगुलर मटेरियल यूज़ किया है, ये किससे बना हुआ है, अगर ये सपोज़ करिए आयरन से बना हुआ है कि स्टील से बना हुआ है कि कॉपर से बना हुआ है, उसके बिहाफ पे बेसिकली जो है हमारे पास दो टाइप्स के मैग्नेट आते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के टॉपिक में हम लोगों ने 50% ऑफ द चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और मुझे कमेंट करें। थैंक्स।